क्रिकेट पाकिस्तान की बहुत पीछे चली गई है और मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक क्रिकेट जैसी हो रही है ऐसी होनी चाहिए। बट यह कि इसके ऊपर तो मैं बात नहीं करता, बात यह है कि हम जो अनाउंस करने जा रहे हैं वो हम अनाउंस कर जा रहे हैं अंडर 13 एंड अंडर 16 ऑल पाकिस्तान हम एक ट्रायल रख रहे हैं और इस ट्रायल बेस के ऊपर हम 6-6 टीमें बनाएंगे अंडर 13 की और 6 टीमें हम अंडर 16 की बनाएंगे। ये ट्रायल हम 20 मई से ऑनवर्ड अनाउंस करने जा रहे हैं। 28 मई 20 मई की हमारी लास्ट डेट थी और क्योंकि हमने स्कूल से रब्ता किया कि स्कूल्स के बच्चे हैं अंडर 13 और अंडर 16, उन्होंने कहा जी कि हमें थोड़ा टाइम दें, इसको मई के एंड पे ले जाएं या जून के फर्स्ट वीक में ले जाएं, मगर क्योंकि आगे पाकिस्तान का मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज़ के साथ तो हम इसको 28-27 मई को हम इसको अनाउंस करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये बहुत बड़ा इवेंट होगा। और जो मेरी सोच है, अगर इसके ऊपर हम इसमें किसी हद तक कामयाब हो गए तो मुझे उम्मीद है कि ये वो स्टेप है जहाँ से पाकिस्तान के लिए बच्चे कदम रखते हैं, जो टैलेंट को निखारते हैं। मैं अंडर 16 खेला था 1992, जो मेरे कोच साथ बैठे हुए हैं, और इन्हीं के अंडर खेला था पेप्सी अंडर 16 इमरान खान, आपको याद होगा वो तब जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। तो मैं वो ख्वाब लेके आगे निकला हूँ कि अंडर 16 और अंडर 13 ऐसी टीम्स हैं, अगर इनके ऊपर काम किया जाए तो आगे काम करने की ज़रूरत कम पड़ती है और बच्चे जहाँ से शाइन होकर जो आगे निकल जाते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़रों में रहते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप जाते रहते हैं। ये मेरे सारे कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है और थैंक यू वेरी मच क्रिक लैब्स, इनके साथ हमारा ज्वाइंट एडवेंचर है और ये हमारे साथ मिलके काम करेंगे और ये पहली दफ़ा ऐसा होगा अंडर 13 और अंडर 16 के मैचेस हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे, अपनी सोशल मीडिया साइट पे टेलीकास्ट करेंगे, लाइव मैचेस आएंगे और पेरेंट्स को अपने बच्चों को देखने का मौका मिलेगा और प्लस जो आवाम देखेगी बच्चों का टैलेंट। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में कभी टैलेंट ख़त्म नहीं होगा और इंशाल्लाह ना कभी होगा ना हम उन्हें देंगे। तो इस सिलसिले में हमने ये अनाउंस किया है और 13 साल के बच्चे, ये पीसीबी ने भी लास्ट ईयर जो टूर्नामेंट करवाया है उसको देखते हुए हम इसको आगे थोड़ा स्टेप अप कर रहे हैं ताकि हमारी भी जो सोशल जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तमाम टीम की तरफ से ये अनाउंस करूँ कि हम भी एक टैलेंट एंड ऑल पाकिस्तान कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें जो बच्चे आगे जाएंगे हम इसको आगे पुश करेंगे। मुख्तलिफ छोटी टीमों अंडर 19 जो अभी पीसीबी सोच रहा है कि अंडर 19 पीएसएल की तर्ज का एक टूर्नामेंट होगा, हम उनसे पहले ही अंडर 13 अंडर 16 कराएं ताकि वो बच्चे खेल के अगले वाले स्टेप में पाकिस्तान के लिए या पीएसएल अंडर 19 जो अब वो सोच रहे हैं हम भी सोच रहे हैं इसके लिए सिलेक्ट। हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जो भी ओपन ट्रायल्स हैं जो बच्चे भी आएंगे ट्रायल देने के लिए उन वो अपना बेफाम साथ लेके आएंगे और हम पूरे ओपन रख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी बच्चे आ सकते हैं। ये ट्रायल्स मेरी एकेडमी के अंदर होंगे और ये 2 दिन के ट्रायल होंगे, 1 दिन अंडर 13 के ट्रायल होंगे, 1 दिन अंडर 16 के ट्रायल होंगे। ये दोनों अलग अलग से होंगे क्योंकि 13 साल और 16 साल की एज में काफ़ी फ़र्क है और अंडर 13 के जो बच्चे हैं वो क्योंकि पाकिस्तान में 10 साल के बाद बच्चे खेलना शुरू करते हैं, ये इंग्लैंड या यूरोप नहीं है, यहाँ पे 5 से 6 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में डाला जाता है। यहाँ पे मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्कूल्स जो हमारे हैं वो घरों में चले गए हैं और स्कूल से जो पहले हम क्रिकेट खेलते थे या कोई स्पोर्ट्स खेलते थे वो बंद हो गई हैं। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं, एक अनदर कोशिश है कि हम प्लेयर को इकट्ठा करें और मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज ए प्लेयर, मैं अपने शहर से खेला हूँ और मैं चाहता हूं कि मेरे शहर का हर बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें। और जिस तरह बच्चे जो मोबाइल के ऊपर आ गए हैं, घरों में मोबाइल के ऊपर है, आउटडोर एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, हम चाह रहे हैं कि ये बच्चे आके ग्राउंड में खेलें और मुल्क और कौम का मुस्तकबिल भी बने, अपने घरों का भी साफ़ सुथरा रखें और सेहत तंदुरुस्त रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी।